आंसू पूछे जिसने, वही उसके आंसुओं की सबब थी। नमस्कार, मैं रवि किशन पुलिस फाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, सच्ची घटनाएं सच्ची कहानी लेकर। आज की हमारी कहानी है मीनाक्षी की, जो एक साधारण लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है। पिता का नाम राजेश मिश्रा, जगह उत्तर प्रदेश। बिटिया मीनाक्षी से पिता बहुत प्यार करते थे, वादा किए थे कि आज उसे एक मोबाइल, नया मोबाइल गिफ्ट करेंगे। रोज रात 8 बजे तक पिता घर पहुंच जाते, लेकिन आज बहुत देर हो गई, पिता घर नहीं पहुंचे। पिता रात हो गई लौटे नहीं। मीनाक्षी को बड़ी चिंता थी, उनके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल ऑफ था। चिंतित बिटिया ने माँ से बात की। बिटिया को बात पता थी कि माता पिता में अक्सर कहा सुनी, अक्सर लड़ाइयां होती है एक व्यक्ति राजकुमार को लेकर। जब भी माँ राजकुमार से बात करती थी, पिताजी को बात बहुत बुरी लगती थी। वो बात मीनाक्षी के जहन में धर चुकी। भाई साहब के साथ जो घटना हुआ है, उनकी औरत रही साथ में, लोग शादी विवाह के बाद में अपना वो अलग रहते थे, सब पूरे परिवार से विद्रोह हो गया था, सब अलग अलग रहते रहे। उसके बाद अपना जो आज के 3 साल पहले अपना घर मकान बेच कर गंगानगर कॉलोनी में एडजस्ट हुए, वहाँ 2.5-3 महीना वहाँ पर थे। वहाँ से जब सिगरा गए, तब जाकर एडजस्ट हुए सिगरा में, वहाँ पर सिगरा में एडजस्ट होने के कुछ दिन बाद उनकी हत्या भई है। और हत्या जब भई तो क्योंकि हत्या करने वाले इतना सफाई से हत्या किया था, काम किया था, जो कि ये चले जाते लावारिस में। आपका ध्यान तो सिर्फ सीरियल्स पे है, टाइम देखिए अभी तक पापा नहीं आए हैं। क्या बात है, आज पापा का बहुत इंतजार किया जा रहा है। ऐसा लगता है आज पापा ने तुम्हें मोबाइल देने का वादा किया है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे और दिन हमें पापा से कोई मतलब ही नहीं होता। हमने ऐसा तो नहीं कहे, लेकिन आज पापा का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारे पापा जाते समय मुझे बोलकर गए थे कि किसी जमीन के बारे में उनको डील करनी है और उन्हें थोड़ी देर भी हो सकती है। मम्मी वो तो ठीक है, पर पापा का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? क्यों से क्या मतलब है, बैटरी डाउन हो गया होगा। अरे सुबह के 7 बज गए, पापा तो आ गए होंगे। मम्मी मम्मी, पापा रात को भी नहीं आए क्या? अरे मैं खुद पूरी रात इंतजार करके अभी सोई हूँ। उनका क्या है, चले गए होंगे किसी दोस्त के यहाँ। वो तो चल अच्छा, तो ऐसे कर, फिर से मोबाइल उनका लगा ले और मुझे सोने दे। मम्मी पापा का फोन तो ऑफ आ रहा है। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना। अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ है। बिरजू भैया, कल रात से पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है।
वो तुमको कुछ बताए थे क्या? ऐसा तो कुछ नहीं मीनाक्षी, लेकिन इतना जरूर था कि वो कल बहुत खुश नजर आ रहे थे। बाद बाद में हमसे कहे जा रहे थे कि हम एक बहुत बड़ा गैरेज खोलने जा रहे हैं। शायद उनको कहीं से कुछ ज्यादा रुपया आने वाला था। कल दोपहर जाने के बाद से न उनका कोई कॉल आया और न ही गैरेज बंद करने के बाद उनका कोई फोन आया। आज भी उनकी कुछ खबर नहीं। आपको कुछ बताए थे क्या? नहीं बिरजू भैया। अच्छा मैं चलती हूँ। सर मैं अपने पापा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। सर मेरे पापा कल रात से गायब हैं। हमने सबको कॉल कर लिया है, मम्मी तो अभी तक सबको फोन कर रही है, सर पर पापा का कुछ पता नहीं चल रहा। किसी पर कोई शक? क्या घर से निकलते वक्त उनके पास कोई कीमती सामान था या फिर किसी से दुश्मनी की कोई बात? नहीं सर, मेरे पापा बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान थे। उनकी तो आज तक किसी से कोई लड़ाई भी नहीं हुई। उल्टा जब हम लोग रोड पे से जाते थे वो कहते थे कि संभाल के जाया करो, कोई भी कीमती सामान साथ लेके जाने को वो मना करते थे। वो कोई ऐसी चीज करे सर, भरोसा होना बहुत मुश्किल है। जरा इत्मीनान से हर पहलू पर एक बार सब कुछ फिर से सोच लीजिए। आपकी नजर में ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट बात जो आपको जरूरी या फिर अजीब सी लगती हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जब आधी आधी रात को पढ़ते थे ना तो हमारे पापा हमें देखने के लिए कई बार आते थे। वो प्यार से हमारे सर पे हाथ फेरते थे और कहते थे बेटा तू ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। सर भला ऐसे इंसान का कोई दुश्मन कोई लड़ाई? नहीं सर, हमें ये कई बार लगता था कि कुछ अकेलापन है उनके अंदर जो उन्हें खाए जा रहा है, पर वो क्यों था ये हम कभी समझ नहीं पाए। इस बारे में हमें आपकी मम्मी से बात करनी होगी। ये आदत उनकी आज से नहीं रही है, पहले से ही है, पर इस कारण मेरी उनकी कभी कभी नोकझोंक भी हो जाती थी। सर गांव के पास नदी के किनारे एक आदमी की लाश मिली है जिसका धड़ तो है मगर सिर नहीं, और उसके पैंट की जेब में एक पुर्जा मिला है जो मिश्रा गैरेज के नाम पर है। बीना जी हमें अफसोस है मगर आपको एक बार हमारे साथ चलकर उस लाश को पहचानना होगा। हो सकता है कि? नहीं सर ऐसा मत कहिए, मैं आपके साथ चल सकती हूँ लेकिन भगवान के लिए ऐसा अपशगुन मत बोलिए। तो ठीक है आप हमारे साथ चलकर उस लाश को पहचानने में मदद कीजिए। तो जब फोन मिलाया गया तो फोन मिलाने के बाद में लड़की उठाई, हेलो कौन? तो हमने अपना नाम बताया छन्नू। तो कहा ताऊ जी, हमने कहा हाँ पापा कहाँ हैं? तो बोली कि पापा 12 बजे करीब घर से निकले, कहाँ गए हैं हमको नहीं पता है। हमने उसे पूछा मम्मी कहाँ है? कि मम्मी घर में, हमके दो। तो मम्मी ने हमको फ़ोन लिया, नमस्ते किया, लेकिन हमने नमस्ते का जवाब नहीं दिया। हमने पूछा राजू कहाँ है? तो बोली कि हम तो पार्लर गए थे सुबह से, अभी को पार्लर से आए हैं। तो पता चला कि शिवानी बताई, लड़की का नाम लेकर के शिवानी बताई कि 12 बजे करीब निकले हुए हैं। उसके बाद हमने कहा कि राजू का हत्या हो गया है। आप लोगों ने तो कहा था कि इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, मगर जिस तरह इनके धड़ को सर से अलग किया गया ऐसा लगता है कि हत्यारा इनसे बेअंतहा नफरत करता था और उसे डर था पकड़े जाने का, तभी उसने सर ही अलग कर दिया ताकि शिनाख्त में परेशानी हो। हम आपसे फिर पूछते हैं,
कि आपको किसी पर भी शक है? अगर है तो प्लीज बताइए हमें। नहीं सर, उनका किसी से दुश्मनी नहीं था। हमारी बिटिया, पापा एग्जाम की तैयारी। पापा आपको पता है ना, हमको दूध जरा पसंद नहीं। चाहते तो हम भी हैं अपनी बिटिया को वो चीज ना देना जो उसको पसंद ना हो, पर क्या करें, डॉक्टर कहता है दिमाग ठीक रखने के लिए दूध पीना जरूरी है और अपनी बेवकूफ बिटिया को दूध तो पिलाना ही पड़ेगा। पापा हम बेवकूफ नहीं, इंटेलिजेंट हैं। बेवकूफ लोग फर्स्ट नहीं आते, और वैसे भी बेवकूफ तो आप हमें बना रहे हैं। 3 महीने से सिर्फ बोल रहे हैं कि नया फोन दिलाएंगे, अभी तक नहीं दिलाए हैं। पहले तो आप आज दूध पी लो, फिर मैं आपको कल नया फोन ला कर दूंगा। और अगर नहीं ला के दिए तो देख लेना, अगर मेरे हाथ में नया फोन कल ना हो तो तुम मुझे घर के अंदर मत आने देना। सोच लीजिए पापा, हम सचमुच नहीं आने देंगे। सोच लिया, हम भी देखते हैं। कल हम जब नया फोन लेकर के आएंगे तो हमारी बिटिया हमको घर के अंदर कैसे नहीं आने देती है। हमको कुछ नहीं चाहिए पापा, प्लीज वापस आ जाइए। प्लीज वापस आ राजकुमार। ये राजकुमार कौन है? सर, मम्मी का पुराना दोस्त। हमें शक इसलिए है क्योंकि जब एक दिन हम और पापा घूमने के लिए जा रहे थे, हम आधी ही दूर पहुंचे थे, हमें लगा कि अगर मम्मी भी साथ होती तो अच्छा होता, इसलिए हम मम्मी को लेने पार्लर गए। पापा ने अपनी कार पार्क कर दी और हम कार के अंदर ही बैठे थे। पापा मम्मी को लेने पार्लर में गए और बहुत देर तक ना ही मम्मी बाहर आई और ना ही पापा। तो जानने के लिए कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, हम खुद पार्लर गए और जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि तुम इससे ना ही मिलो तो अच्छा रहेगा, समझे? सर, उस दिन राजकुमार के दिल में हमने अपने पापा के लिए गहरी नफरत देखी और सर वो पहली बार हमने अपने पापा को किसी से बहस करते हुए देखी। जब मीनाक्षी ने पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस को ये बातें बताई। बीना मिश्रा से पूछताछ हुई तो बीना मिश्रा ने कहा मैं खुद स्वयं चिंतित हूं अपने पति को लेकर कि वो कहां है और राजकुमार से तो मेरी बात ही नहीं हुई। लेकिन बीना मिश्रा भूल गई कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मम्मी चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। मम्मी मैंने आपके लिए बहुत अच्छी राइस बनाई है। नहीं बेटा, मैं नहीं खा सकती। मम्मी प्लीज अपने आप को संभालिए।
आपके खाना पीना छोड़ने से पापा लौट तो नहीं आएंगे ना? और प्लीज आपके अलावा और कोई है भी तो नहीं हमारा? कम से कम अपने लिए नहीं तो हमारे लिए तो अपना ध्यान रखिए। सब ठीक हो जाएगा, अब प्लीज अपने आप को संभालिए। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं, ये सब कैसे हो गया? मम्मी खाना खा नहीं रही, हम अपने लिए खाना बनाए नहीं, तो फिर ये खाना किसके लिए बना था?